अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का, दैट इज कोल इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। हमारे पास एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था कोल, तो उसी के नाम पे हमने रख दिया कोल इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, क्योंकि ये मेथड उसी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो अब ये मेथड किस पर्पज के लिए यूज होता है? ये यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अब बेटी कौन से अल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए यूज होता है? ये यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन्स। तो सिमेट्रिकल अल्केन्स क्या होते हैं, अभी हम इसको भी समझते हैं। और एक और टर्म हमने समझनी है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 10 में फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके किसी भी कंपाउंड को तोड़ दें इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कंपाउंड को किसी को तोड़ने वाले हैं, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करके उसको तोड़ के विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम उसे सिमेट्रिकल अल्केन के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। नाउ व्हाट इज सिमेट्रिकल अल्केन। तो बेटे अगर आपके पास किसी अल्केन को आप सेंटर से डिवाइड करें तो वो दो इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड हो जाए तो हम उसे बोलते हैं दैट इज सिमेट्रिकल, और अगर वो दो इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड ना हो तो हम उसे बोल देते हैं एसिमेट्रिकल अल्केन। तो सुने सिंपल ये है बेटे, आपके पास अगर मैं कहता हूँ कि ये आपके पास है CH3, इसका नाम क्या है, इथेन। अगर मैं इसको सेंटर से डिवाइड कर दूँ तो क्या इसका इधर वाली साइड और ये वाली साइड, मतलब ये फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, ये सेम है। तो दिस वन इज सिमेट्रिकल अल्केन। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, फॉर एग्जांपल CH3, CH2, CH3। अगर मैं इसको इधर से डिवाइड कर दूँ, सेंटर से नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन आ गया। तो बेटे देखो, इस साइड पे एक कार्बन आ रहा है और इस साइड पे दो कार्बन आ रहे हैं, तो ये क्या सिमेट्रिकल है? नहीं, क्योंकि इक्वल हाफ नहीं। सिमिलरली अगर आपके पास है CH3, CH2, CH2, CH3, दिस वन इज ब्यूटेन। मैं इसको सेंटर से डिवाइड करता हूँ तो ये भी दो कार्बन है और इस साइड में भी दो कार्बन है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास सिमेट्रिकल है। मैं आपको सिंपल एक चीज याद रखने के लिए बता देता हूँ, और बड़ा सिंपल है वो मेथड, कि आप ये याद रखें कि सिमेट्रिकल अल्केन्स वो तमाम अल्केन्स होंगे जिनके अंदर हमारे पास क्या होगा, इवन नंबर होंगे कार्बन के। जो इवन नंबर वाले मतलब दो कार्बन वाले अल्केन, चार वाले, छः वाले, वो सारे के सारे सिमेट्रिकल होते हैं। और जो बेटे आपके पास ऑड नंबर वाले अल्केन्स होते हैं, मतलब एक कार्बन वाला, तीन कार्बन वाला, पांच कार्बन वाला, इसी तरह से आगे, वो हमारे पास सिमेट्रिकल नहीं होते। आप सिर्फ इवन नंबर वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या अल्केन्स को इस मेथड से बना सकते हो। क्यों, वो बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास जो मेथड है बेटे, सिमेट्रिकल अल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट, इस मेथड को स्टार्ट करने के लिए हम थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि हम इसके अंदर करने क्या वाले हैं। सिमेट्रिकल अल्केन के लिए यूज़ किया जाता है, किससे बनाते हैं हम, किसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। बेटे हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं किसकी भाई, हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को। क्या करते हैं, कोई भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और फिर उसको हम उसके साल्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फिर जो साल्ट होता है हम इसको वाटर के अंदर डिजॉल्व करके फिर हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, मतलब हम इसकी करवाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो बेटे वो आपके पास जो साल्ट होता है वो टूट जाता है और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बना देता है, हमारा रिस्पेक्टिव अल्केन बना देता है, मतलब जो सिमेट्रिकल अल्केन बना देता है। अब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या था, मैंने आपको बताया था कि ऐसा आपके पास ग्रुप जिसके अंदर सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, ऐसा हाइड्रोकार्बन, उसे हम बोलते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल बेटे आपके पास है CH3C(OOH), दिस वन इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। ये आपके पास क्या है, एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है क्योंकि इसके अंदर एक ही हमारे पास C(OOH) ग्रुप आ रहा है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि साल्ट कैसे बनाते हैं। बेटे किसी भी एसिड का साल्ट बनाना हो तो हम उसका हाइड्रोजन रिमूव करके कोई मेटल अटैच कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं पोटाशियम अटैच कर देता हूँ, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे। तो अगर कुछ ऐसा हम कर देते हैं किसी एसिड के साथ तो हमारे पास वो एसिड का साल्ट बन जाता है। तो अब ये एसिटिक एसिड नहीं रहेगा बल्कि दिस विल बी द साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। समझ में आ गई बात। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको समझ में ना ही हो, HCl एक एसिड है, आप इसका हाइड्रोजन रिमूव करके इसके साथ कोई मेटल अटैच कर दो, पोटाशियम अटैच कर दो, सोडियम अटैच कर दो, तो NaCl या KCl बनेगा, जो कि आपके पास क्या होगा, एक साल्ट होगा।
तो कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में हम इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले हैं एक साल्ट की, और वो साल्ट हमने किससे बनाया है, किसी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हैं, स्टेटमेंट समझ में आ गई हैं, तो अब हम रेडी हैं कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड परफॉर्म करने के लिए। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट होता क्या है। अच्छा, आप एक साइड पर डायग्राम देख रहे हैं, आपको पता है कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो उसका ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होता है, चैप्टर 10 में पढ़ा था कि आपके पास बेटे एक चैम्बर होता है, उसके अंदर आपने दो इलेक्ट्रोड्स को डिप किया होता है सॉल्यूशन के अंदर। किसके सॉल्यूशन के अंदर, जिस चीज़ की आपने इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास होगा साल्ट का सॉल्यूशन। किसके साल्ट का सॉल्यूशन, कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट का सॉल्यूशन, और जिसके हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। और आपके बेटे एक और चीज़ भी पता है कि हमारे पास जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक के ऊपर हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर हमारे पास होता है नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है उसे हम बोल देते हैं एनोड, और जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है उसे हम बोल देते हैं कैथोड। ओके, और एनोड पे मैंने आपको बताया था हमेशा होती है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कुछ चीज़ें अगर हमने समझ ली तो हम कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस मेथड कर लेते हैं। तो एक अब बेटे जनरल एग्जांपल आपकी बुक में लिखी है, क्या जनरल एग्जांपल है, तो वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास RCOOH, ये कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका साल्ट उन्होंने बनाया हुआ सोडियम के साथ, आप पोटाशियम यूज़ कर लें कोई इशू नहीं। वो कहते हैं कि दो हम जब ये लेते हैं और इसको हम वाटर के टू मॉलिक्यूल्स के अंदर ऐड करते हैं तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर, ये हमारे पास ये चीज़ें बनाता है। ये हमारे पास एक तो अल्केन बनाता है, दो थे ना, तो एक आर ग्रुप एक आर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में और दो आर ग्रुप दो में, तो उनको मिला के हमने एक अल्केन बना दिया। इसके अलावा वो कहता है कि यहाँ पे हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, दो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बनती है हाइड्रोजन गैस, और उसके अलावा सोडियम से सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, कितने, दो। तो ये आपकी बुक ने एक जनरल आपको बता दिया है कि ओवरऑल रिएक्शन ये होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का आप साल्ट लेंगे, उसको पानी में ऐड करेंगे और क्या करवाएंगे, आप करवाएंगे इसकी इलेक्ट्रोलिसिस। जब आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो ये आपके पास जो साल्ट होगा ये अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, हाइड्रोजन के अंदर और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के अंदर। अब ये सब कुछ होगा कैसे और हम क्या करने वाले हैं बेटे, उसको हम बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए भाई हम स्टार्ट करते हैं बेटे मैकेनिज्म ऑफ कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के, हमारे पास ये किस तरह से होता है। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह इसको स्टार्ट कर लेते हैं। लो बेटे होगा क्या, सबसे पहले कि हम कोई साल्ट लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ CH3COOH-, आप इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लो। अब बेटे जब आप इनको पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे, When you dissolve them in water, तो ये आपके पास dissociate हो जाएंगे, आयन अलग अलग हो जाएंगे, आपके पास दो जो बनेंगे that will be CH3COOH-, ये नेगेटिव अलग हो गया, और पोटाशियम अलग हो के दो पोटाशियम क्या हो गया आपके पास सर, बिल्कुल अलग हो के साइड पे। तो असल में हुआ ये है कि आपने जिस चीज़ की इलेक्ट्रोलिसिस करनी थी, जो साल्ट था आपने यहाँ पे जो मौजूद वाटर था उसके अंदर क्या कर लिया, डिजॉल्व, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया CH3COOH-, वो पहले वाला, और आपके पास आ गया A पॉजिटिव। अब देखिए जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो जाएंगी कैथोड की तरफ, नेगेटिव एंड की तरफ, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो जाएंगी एनोड की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास दो आयंस बने हैं बेटे, जब ये टूटा है साल्ट, कौन कौन से आयन बने हैं, पहला बेटे हमारे पास ये बना है ये एनायन है, मतलब नेगेटिव चार्ज है, और ये आपके पास कैटायन है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है। तो जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है वो जाएगा पॉजिटिव एंड, मतलब एनोड पे, और वहाँ पे जाके रिएक्शन करेगा, और जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है वो जाएगा कैथोड पे, नेगेटिव एंड पे, और वहाँ पे जाके रिएक्शन करेगा। तो मतलब दो तरह के रिएक्शन होंगे, एक एनोड पे होगा और एक आपके पास होगा कैथोड पे। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि हमारे पास एनोड पे क्या रिएक्शन होने वाला है। तो मैं लिख लेता हूँ एट एनोड, देखते हैं भाई एनोड पे हमारे पास क्या रिएक्शन होगा। तो देखो बेटे मुझे एक बात बताओ, एनोड पे किसने जाना है, पॉजिटिव एंड की तरफ किसने जाना है, किसने जाना है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है एसीटेट आयन। देखो अब कैसे जाएगा ये और क्या करेगा, आपके पास बेटे है CH3COOH-,
और ये दो है, ये जाएंगे एनोड पे। एनोड पे क्या होनी है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरे बेटे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो हर एसीटेट आयन एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन, यही होता है मतलब। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, ये एनोड पे जाएगा और ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा। कैसे लॉस करेगा, एक एसीटेट आयन एक लॉस करेगा, तो ये दो है तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, टोटल टू इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा एनोड की तरफ। और बेटे फिर हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, फिर हमारे पास जो चीज बनेगी दैट विल बी सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ, यहाँ पे आ जाएगा रेडिकल। रेडिकल कब आता है, जब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के पास। तो ये हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज वाला एसीटेट आयन था अब वो रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। देखो नेगेटिव चार्ज में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब हम बात करते हैं रेडिकल की तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, समझ में आ रही बात। रेडिकल का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, दो थे यहाँ पे, एक उसने लॉस कर दिया हर एसीटेट आयन ने, तो आपके पास क्या बन गया, आपके पास बन गया एक रेडिकल। वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन लॉस हुए और ये रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो गया। चलिए जी, तो ये तो बड़ा हमारे पास इजी हो गया ना। अब हम बेटे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा। अब बेटे ये जो रेडिकल बना है ये बड़ा ही अनस्टेबल रेडिकल है। रेडिकल हमेशा अनस्टेबल होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी अकेला नहीं रहना चाहता, एक के फॉर्म में नहीं रहना चाहता, हमेशा बॉन्ड बनाना चाहता है। अब सुने ध्यान से जरा इधर, अब हमारे पास क्या होगा कि ये जो रेडिकल है ये आपस में रिएक्ट करेगा, ये रेडिकल स्टेबल नहीं है। तो ये सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ ने ये रेडिकल ये क्या करेगा, ये बेटे यहाँ से इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। क्या बनेगा, बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन वो बॉन्ड बनेगा कैसे, पहले ये करेंगे क्या कि पहले बेटे ये अपना बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये वाला। एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ये हो गया और एक ये। जब ये बॉन्ड ब्रेक कर लेंगे, ये बॉन्ड इनके दरमियान ब्रेक हो गया, तो इधर क्या बच गया सी एच थ्री रेडिकल। तो वो आप लिखते हैं साइड पे कि आपके पास एक चीज़ क्या बन गई, वो आपके पास बन गई सी एच थ्री के रेडिकल। ओके कितने बने, दो, क्योंकि दो ही थे ना टोटल। अब ये जो चीज़ बची है ना बेटे, ये वाली, ये आपस में एक रेडिकल ये है और एक रेडिकल ये है, दो इलेक्ट्रॉन है ना असल में। तो बेटे ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा और ये आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। और ये किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे कर लिया, लीनियर होता है लेकिन मैं इसके रेफरेंस से वैसे ही ड्रा करता हूं। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएंगे, फिर दो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे, ऐसे लिख लें या मेरे बेटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ आपके लिए। आपको समझ तो आ गई ना कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना। तो असल में हुआ क्या बेटे कि ये रेडिकल जो था ये बड़ा ही अनस्टेबल था, मैं बॉन्ड लिख देता हूँ ऐसे, ये सिर्फ समझाने के लिए था। वो रेडिकल बड़ा अनस्टेबल था, उसने यहाँ से बॉन्ड तोड़ा और खुद कार्बन डाइऑक्साइड बना के निकल गया और सी एच थ्री के रेडिकल बना दिया, समझ में आई बात। ये सब कुछ एनोड पे हो रहा है, अभी कैथोड वाला बाकी है। तो अब ये जो हमारे पास सी एच थ्री रेडिकल बने, ये एक सी एच थ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास बेचारे के पास, ये दूसरा सी एच थ्री रेडिकल उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। बेटे ये एक दूसरे के साथ आते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं, मतलब क्या होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ लेके आता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ लेके आता है और ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। और बेटे एज अ रिजल्ट हमारे पास ये क्या बना देते हैं, ये आपके पास बना देते हैं सी एच थ्री सी एच थ्री, जो कि आपके पास एक सिमेट्रिकल एल्केन है। तो इन मिथाइल ग्रुप ने आपस में बॉन्ड बना लिया और ये क्या बन गया आपके पास एल्केन बन गया। तो बेटे ये सारे के सारे रिएक्शन जो एनोड में होने थे वो अब कंप्लीट हो चुके हैं, कोई भी रिएक्शन नहीं बचा जो कि एनोड पे होना था और वो नहीं हुआ। अब रिएक्शन कौन से बच गए, कैथोड पे। कैथोड पे किसने जाना था, पोटाशियम में। कैथोड पे बेटे पोटाशियम भी जाता है और कैथोड पे एक और चीज़ भी जाती है, दैट इज वाटर। वाटर जाके ना आयंस के फॉर्म में कैथोड पे टूट जाता है, कैसे जरा देखिए ना, ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ समझने वाली है। तो बेटे दूसरा रिएक्शन मैं लिख लेता हूँ एट कैथोड, तो कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड में सबसे पहले बेटे वाटर जाएगा, वाटर को अगर मैं इस तरह से लिख लूं कोई इशू तो नहीं किसी को, दो वाटर के मॉलिक्यूल बेटे जाएंगे किस पे, कैथोड पे,
और वो वहाँ पे जाके दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। कौन से दो इलेक्ट्रॉन? जो यहाँ पे इसने एनोड पे रिलीज होंगे वही के तौर पे यूज हो जाएंगे। चले वो बात की बात है। तो बेटा ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को मिलेंगे और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाए और ये हमारे पास क्या होगा कि जो हाइड्रोजन होगा वो इन दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके हाइड्रोजन गैस बना देगा और ये आपके पास यहाँ पे क्या बच गए, दो OH नेगेटिव आयन बच गए। तो ये क्या थोड़ी हो रहा है कि वाटर टूटता है इलेक्ट्रॉन गेन करके और हमारे पास हाइड्रोजन गैस और दो हाइड्रोक्साइड आयन बन जाते हैं। ऐसे ही मेरे बेटा। और फिर हमारे पास क्या होता है कि जो दो पोटाशियम ऊपर रिलीज हुए थे ये वाले कहाँ पे पोटाशियम ये वाले के टाइम जो था ये बेटे इन दो OH नेगेटिव के साथ मिलते हैं और क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं 2KOH। तो ये रिएक्शन हमारे पास किस पे होने वाला है, ये रिएक्शन होने वाला है कैथोड पे। वाटर गया, इलेक्ट्रॉन गेन किए और हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर कन्वर्ट हुआ। अब जो हाइड्रोक्साइड आयन बने उन्होंने पोटाशियम के साथ मिला और क्या बना लिया, KOH बना लिया। तो कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के अंदर बेटे आपके पास कुछ रिएक्शन एनोड पे होंगे, कुछ कैथोड पे, कुछ आपके पास रिडक्शन वाले होंगे, कुछ ऑक्सीडेशन वाले होंगे। तो अगर बेटे मैं इनकी ओवरऑल इक्वेशन लिखना चाहूँ, तो वो यही आएगी जो ऊपर है, लेकिन मैं जरा बना लेता हूँ। ओवरऑल इक्वेशन कैसे निकालते हैं बेटे, चैप्टर नंबर 10 है फर्स्ट ईयर का, कुछ हमने पढ़ा होगा कि बेटे हम अपोजिट साइड पे जो सेम चीज़ें आ जाती हैं उनको कैसे कर देते हैं। जैसा कि बेटे क्या सेम चीज़ें आ रही हैं, देखो हमारे पास इधर ये नेगेटिव आयन आ रहा है राइट साइड लेफ्ट साइड पे और इधर ये नेगेटिव आ रहा है राइट साइड पे, तो इन दोनों को मैं कट कर सकता हूँ। मैंने कट कर दिया, इधर ये इससे कट गया अपोजिट साइड पे है और क्या कटता है अपोजिट साइड पे, ये रेडिकल और ये रेडिकल सेम है तो ये भी मैंने कट कर दिया। अच्छा और क्या कटता है, ये दो CH3 हैं और ये दो CH3 से कट गए। अच्छा और क्या कटता है, ये दो इलेक्ट्रॉन इन दो इलेक्ट्रॉन से कट गए और कुछ कटता है, और क्या कटता है, ये दो OH नेगेटिव इस साइड पे हैं तो ये दो OH नेगेटिव कट गए इससे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आपसे कटती थी आपने काट दी, और क्या कटता है, और कुछ चीज़ कटती है पोटाशियम आयन से, ये दो पोटाशियम आयन इस साइड पे हैं तो ये दो पोटाशियम आयन इस साइड। तो जब आप इनको कट कर देते हो तो बेटे बाकी बचता क्या है, फिर हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन आ जाती है। ओवरऑल इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, देखो जो बचा हुई ओवरऑल इक्वेशन कैसा होगा, क्या बचा राइट लेफ्ट साइड पे आपके पास है 2CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ ए पॉजिटिव और नेगेटिव, और इस साइड पे कुछ बचा, हाँ ये दो वाटर बचे पड़े, तो आप लिख लो यहाँ पे 2H2O और लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं बचा, इक्वल टू क्या क्या बना है इस साइड पे जो बच गया वो बना है, क्या बना है, दो कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप लिख लो 2 कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बचा है, और ये अल्केन इसका नाम क्या है इथेन, तो आप लिख लो कि CH3CH ये बचा है, और इस साइड पे क्या बचा है, ये हाइड्रोजन बचा है, तो लिख लो भाई हाइड्रोजन भी बना है, ठीक है। और क्या बचा इस साइड पे, KOH बचा है, तो लिख लो आपके पास 2KOH ही बना है। तो ये वही जनरल इक्वेशन नहीं होगी आपके पास, अगर आप साल्ट और दो वाटर मॉलिक्यूल यूज करेंगे तो आपके पास एक अल्केन बनेगा, वो वहाँ पे आपके पास इथेन है, दो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं, हाइड्रोजन बन रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, अगर पोटाशियम यूज किया था आपने तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो बेटे ये अच्छा इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको सिर्फ समझाना था मैंने कि वो कैसे आई इक्वेशन, आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं जनरल। तो ये आपके पास हो गया कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, और कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस मेथड इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन आपके पास, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, हमने क्या किया, हमने साल्ट लिया, उसको ब्रेक डाउन किया, दो के टाइम सॉरी दो आयंस बने, एक के नाइन एक के टाइम, एनायन जो था वो पॉजिटिव साइड पे गया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, रेडिकल बना अनस्टेबल था और टूटा, उसने फिर रेडिकल बनाए और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, और रेडिकल आपस में मिले और हमारे पास एक अल्केन बन गया। कैथोड पे क्या हुआ, वाटर टूटा, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके और एडिशनल हाइड्रोजन गैस हाइड्रोक्साइड बने, वो इस कैटायन के साथ में पोटाशियम के साथ मिला और KOH बना दिया। तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन था, और उसके रिजल्ट में हमारे पास ओवरऑल प्रोड्यूस क्या हुआ, एक अल्केन हाइड्रोजन गैस KOH और कार्बन। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस के बाद बेटे नेक्स्ट मेथड हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स का फ्रॉम कार्बोनाइल्स। कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा था, पढ़ा था ना हमने, कार्बोनाइल ग्रुप था ये वाला, दिस वन इज कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। कार्बोनाइल्स बेटे हम बेसिकली दो तरह के कंपाउंड्स को कहते हैं, मैंने आपको बताया था
अगर दोनों साइड पे कोई अल्काइल ग्रुप आ जाए तो उसको बोल देते हैं कीटोन, और अगर हमारे पास कार्बन आयन ग्रुप की एक साइड पे आर हो और दूसरी साइड पे एच आ जाए उसे बोल देते हैं एल्डिहाइड। तो बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स हम करने वाले हैं कीटोन से और एल्डिहाइड से, ठीक है। एल्डिहाइड मतलब हाइड्रोजन वाला और कीटोन मतलब दोनों तरफ ही हमारे पास क्या होंगे कार्बन आयन ग्रुप के कार्बन होंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं बेटे। बेसिकली दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें इस प्रिपरेशन का मेथड दिया, तो हमने उनके नाम पे ही उसका नाम रख दिया क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ फिशर रिडक्शन। देखो अगर हमारे पास कार्बन आयन ग्रुप है कोई भी, फॉर एग्जाम्पल क्लेमेंसन बेटे जो रिडक्शन है ये यूज की जाती है कीटोन से अल्केन्स बनाने के लिए, और जो वुल्फ फिशर रिडक्शन है बेटे ये यूज की जाती है एल्डिहाइड से अल्केन्स बनाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी कीटोन ड्रा करता हूँ, कार्बन आयन ग्रुप बनाया और उसके दोनों साइड पे कोई कार्बन का ग्रुप अटैच कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल रखता हूँ और ये मिथाइल ग्रुप अटैच करता हूँ, ये आपके पास क्या है कीटोन। रिडक्शन का क्या मतलब होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यही होता है ना। तो अगर मैं इसमें से ये ऑक्सीजन निकाल के, इसमें से ये ऑक्सीजन निकाल के इसकी जगह दो हाइड्रोजन लगा दो तो ये प्रोपेन बन जाएगा, सिंपल है ना, अल्केन बन जाएगा। तो मुझे यही करना है अब बेटे, वो मैं कैसे करूँगा इसको समझिएगा बेटे। बेसिकली इस काम के लिए जो मैं यूज़ करूँगा चीज़ें यहाँ पे वो आपके पास क्या होंगी, चले मैं इधर ड्रा करता हूँ एरो बेटे। कंडीशन क्या होंगी इसके लिए कि आपको यूज़ करना है जिंक और मरकरी को इकट्ठा। देखो मरकरी लिक्विड होता है ना, मेटल है फिर भी लिक्विड है। मरकरी के अंदर हम जिंक को अगर डिजोल्व कर लें तो वो जो चीज़ बनती है उसे बोलते हैं जिंक अमलगम, नॉट बलगम, इट्स अमलगम। अमलगम का वर्ड यूज किया जाता है कि अगर आप मरकरी के अंदर किसी भी चीज़ को डिजोल्व कर देंगे ना, और जब मैं कॉपर को डिजोल्व करता हूँ मरकरी के अंदर तो कॉपर अमलगम, आयरन को डिजोल्व करता हूँ मरकरी में तो आयरन अमलगम। तो क्योंकि मैंने जिंक को मरकरी के अंदर डिजोल्व किया है तो इसका नाम क्या होगा जिंक अमलगम। तो मुझे क्या यूज़ करना है, जिंक अमलगम यूज़ करना है और उसके साथ साथ बेटे HCl भी यूज़ करना है। तो अगर मैं ये कंडीशन दूंगा तो होगा पता क्या कि जिंक अमलगम HCl के रिएक्शन से हमारे पास कुछ चीज़ें बनेंगी। वो चीज़ें क्या होंगी बेटे, आपके पास प्रोड्यूस होंगी नेसेंट हाइड्रोजन। क्या बनेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन मतलब आपके पास ऐसे चार हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे फ्रेशली एटॉमिक फॉर्म में। अब बेटे होगा क्या, जैसे ही इन सब के रिएक्शन से ये चीज़ें चार हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे तो बेटे वो ऐड हो जाएंगे। मतलब क्या होगा कि दो हाइड्रोजन यहाँ से इस ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे और इस ऑक्सीजन को निकाल के ले जाएंगे और क्या बना देंगे फिर H2O। तो हमारे पास पहली जो चीज़ बनेगी दैट विल बी वाटर, ओके। अब जो बाकी ये वाले दो हाइड्रोजन बचे, ये वाले दो हाइड्रोजन बेटे ये क्या करेंगे, ये जाके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे और उसकी वैलेंसी को पूरा कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, मतलब हमारे पास अल्केन बन गया क्या CH3 वैसे का वैसे ही जो ये था, उसके बाद कार्बन था और फिर हमारे पास CH3 था। अब ये दो हाइड्रोजन क्योंकि इस कार्बन में ऐड हुए हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2। तो ये क्या है आपके पास प्रोपेन, प्रोपेन। तो आपके पास आपने जो बनाना था वो बन गया अल्केन प्रोपेन, ठीक है। तो आप कीटोन्स को अल्केन्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग जिंक अमलगम एंड HCl, और होगा क्या कि इन जिंक अमलगम और HCl के दरमियान रिएक्शन से कुछ हमारे पास चार हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे नेसेंट न्यूली बॉर्न या फिर एटॉमिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। अब उनमें से दो ऑक्सीजन को निकाल देंगे, रिमूवल ऑक्सीजन इज आल्सो पार्ट ऑफ रिडक्शन, और हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो पार्ट ऑफ रिडक्शन। इसीलिए मैं कहता था नाम याद करूँ सब कुछ में आ जाएगा, ठीक है। रिडक्शन करनी हो तो हाइड्रोजन ऐड करना है और ऑक्सीजन रिमूव करना है, तो कुछ ना कुछ जेहन में रह जाता है। तो ये बेटे आपके पास हो गया क्लेमेंसन रिडक्शन। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 और बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ ही वुल्फ किशनर इकट्ठे आ जाते हैं कि व्हाट इज क्लेमेंसन एंड वुल्फ किशनर रिडक्शन। तो कीटोन्स वाली कौन सी रिडक्शन है आपके पास, क्लेमेंसन। वुल्फ किशनर किसके लिए होती है बेटे, एल्डिहाइड्स के लिए, इसके लिए भाई एल्डिहाइड्स के लिए। अच्छा अब मैं कोई आपके पास लिखता हूँ एल्डिहाइड, देखो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, मैंने कहा था एक साइड पे हाइड्रोजन आ जाए दूसरी साइड पे जो मर्जी आए, फॉर एग्जाम्पल मैं CH3 लगा देता हूँ। तो इसका नाम है आपके पास ये एल्डिहाइड, सिंपल कहते हैं नाम की अपने क्या रखा है। आप सिंपल बेटे क्या करेंगे, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो इसके अंदर अल्केन के अंदर, तो आपको इसकी रिडक्शन करनी पड़ेगी, मतलब ये ऑक्सीजन रिमूव करना पड़ेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करनी पड़ेगी, तो चीज़ वही होगी। लेकिन बेटे एल्डिहाइड्स के लिए हम ये नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये डिफरेंट तरह से रिएक्शन कर लेता है।
आप फिर यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, आप यहाँ पे यूज करने वाले हैं हाइड्राजीन N2H4 हाइड्राजीन, इसका नाम याद कर लें N2H4 इज कॉल्ड एज हाइड्राजीन। ठीक है, ये सेकंड बेटे एग्जांपल है आपके पास। आप बेटे हाइड्राजीन को लेंगे, मैं साइड पे लिख भी देता हूँ ताकि भूल ना जाए, इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइड्राजीन। तो आप हाइड्राजीन लेंगे और साथ कोई भी बेस ले सकते हैं, NaOH ले लें, KOH ले लें, बेस ले लेंगे आपने बस, तो KOH फॉर एग्जाम्पल ले लें जो आपके बुक में, NaOH में भी कोई मसला नहीं है। तो आप एक एल्डिहाइड लेंगे और उसको ये कंडीशन देंगे और फिर 200 सेल्सियस तक हीट करेंगे। अगर आप उसको ये कंडीशन प्रोवाइड कर देते हैं होगा क्या, होगा ये कि ये आपस में हमारे पास टोटल ओवरऑल क्या होंगे, फिर से चार हाइड्रोजन ही बनेंगे, 1 2 3 4 चार हाइड्रोजन सॉरी बनेंगे, टार कह दिया। अब बट होगा क्या, वंस अगेन वही होगा जो पहले हो रहा था कि दो हाइड्रोजन यहाँ से इस ऑक्सीजन को निकाल लेंगे, आपने ऐसे ही नोट करना ताकि आपको जेहन में रहे कि हुआ क्या से नहीं। तो दो हाइड्रोजन ने जब इस ऑक्सीजन को निकाल लिया तो बाकी क्या बच गया हमारे पास, क्या बना, H2O। और बाकी दो हाइड्रोजन फिर कहाँ जाएंगे, बाकी दो हाइड्रोजन ने कहाँ जाना है, ये दो दो हाइड्रोजन है ये जाके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका रिडक्शन। तो हमने ये रिडक्शन कर दी और बेटे फिर हमारे पास बना क्या, हमारे पास ये हाइड्रोजन ऐड हो गए तो CH था ये, तो CH2 हो गया और मतलब ऐड हो गया CH3 हो गया ओवरऑल, तो ये आपके पास बन जाएगा CH3CH2। ये CH3 वैसे का वैसे लिख दिया, ये कार्बन था, एक हाइड्रोजन ये था, तीन और आ गए तो CH3 हो गया, तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास एक एल्केन बन गया, दैट इज सो दिस वन इज क्री मेंशन एंड दिस इज वुल्फ फिशनर, दोनों ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आते इकट्ठे में ज्यादातर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्री मेंशन एंड वुल्फ फिशनर रिडक्शन। तो बस जेहन में ये रखना है, अक्सर बच्चे ये नीचे वाली क्वेश्चन ऊपर और ऊपर वाली नीचे लिख देते हैं, ये बस जेहन में रखना है क्री मेंशन जब आपने रिडक्शन करनी है तो उसके लिए कंडीशन क्या है और चीज़ क्या यूज करनी है, दैट इज कीटोन। और जब आपने वुल्फ फिशनर रिडक्शन यूज करनी है तो उसमें आपने एल्डिहाइड यूज करना है, ठीक है, फिर होगी वरना फिर उसका नाम डिफरेंट होगा। लास्ट प्रिपरेशन का मेथड है बेटे, दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम अल्केन्स को बना सकते हैं, बड़ा सोखा तरीका है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास ये होता है कि RMGX ये हमारे पास क्या, दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग मिथाइल और उसके साथ बेटे मैग्नीशियम लगा, और एक्स भी कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग ब्रोमाइड, क्लोराइड ले लें, आयोडाइड ले लें, जो मर्जी ले लें। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाते तो उसे क्या, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लो, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास बेटे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि एक साइंटिस्ट था ग्रिग्नार्ड, विक्टर ग्रिग्नार्ड, उसने बनाया था 1900 ने और उसको इसको नोबेल प्राइज मिला था और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी है। आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लो और उसका वाटर के साथ रिएक्शन करवा दो, वाटर क्या मतलब HOH, ठीक है। अब एक चीज़ नोट करना, ये बड़ी काम आएगी, मेटल है ना मेटल, मैग्नीशियम तो वो पॉजिटिव होगी और इस पर फिर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। सिमिलरली वाटर में हाइड्रोजन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसे ही होता है ना हमारे पास। तो बेटे नेगेटिव ने पॉजिटिव के साथ मिलना है, पॉजिटिव ने नेगेटिव के साथ मिलना है, तो ये वाला जो CH3 पॉजिटिव वाला हिस्सा है, अगर मैं कलर चेंज कर दूँ और आपको समझाऊँ बेटे, ये जो CH3 वाला हिस्सा है नेगेटिव एंड जो है, ये वाटर के H पॉजिटिव के साथ मिलेगा और आपके पास क्या बना देगा, आपके पास बना देगा CH4। ये CH3 इस पॉजिटिव वाले H को मिलाएगा और क्या बना देगा, CH4। और बाकी क्या होगा, इस पॉजिटिव से ये OH मिल जाएगा और क्या बना देगा भाई आपके पास, ये मैग्नीशियम है ना, एक तो BR इसके साथ लगा ही हुआ है और एक आके लग जाएगा OH। तो आपने जो बनाना था वो आपने बना लिया, दैट इज अल्केन, और इसका नाम आपके पास क्या है बेटे, इसका नाम है आपके पास मीथेन। तो ये आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करते हुए बनाया। अच्छा आपका दिल करे आप अपनी मर्जी कोई भी अल्केन बना सकते, सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आने वाला, क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ यू कैन कन्वर्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनटू मीथेन, तो एक कार्बन ले, आज एक क्वेश्चन कि हाउ यू कैन कन्वर्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनटू इथेन, इथेन आ जाए तो यहाँ पे दो कार्बन कर दें, जितने कार्बन वाला आपने अल्केन बनाना है आपसे जो पूछा गया आप उसी हिसाब से आर ग्रुप चेंज करते जाए, मतलब आप ये करते
जब आप ये करेंगे तो जब ये हाइड्रोजन इसके पास आएगा तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और इसका नाम क्या होगा आपके पास, इथेन। अब आपका टास्क ये है, आपने मुझे ग्रिग्ना रिजेंट से प्रोपेन बना के देनी है, आपका टास्क ये है कि आपने मुझे ग्रिग्ना रिजेंट से ब्यूटेन बना के देनी है, ठीक है। आपका टास्क ये है, आपने मुझे ये कीटोन और इनको बदल बदल के आपने मुझे तीन कंपाउंड बना के देने हैं, नंबर वन इज प्रोपेन, नंबर टू इज ब्यूटेन, नंबर थ्री इज पेंटेन। मुझे बना के दीजिएगा, फिर देखेंगे कि आपको इसकी कितनी समझ में आएगी। तो बेटे इसको बार बार सुनें, पास करें, समझें और उसके बाद इसको लिखें, कोशिश करें अपनी मर्जी के मनपसंद कंपाउंड बनाने की, जैसे घर में खाने मनपसंद खाने का शौक है ना सर, वैसे। तो ये आपके पास प्रिपरेशन के मेथड होगी, इसके बाद